नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करेंगे कि वाईफाई जो है सो हमारे ईथरनेट के मुकाबले क्यों स्लो होता है। तो देखिए, जितना तेज़ी से इलेक्ट्रॉन हमारे मतलब वायर से मूव करता है, उससे ज़्यादा तेज़ी से जो है सो रेडियो वेव्स मूव करता है। तो इसके हिसाब से तो वाईफाई को ज़्यादा फास्ट होना चाहिए था हमारे ईथरनेट से, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। तो इसका रीज़न है कि ईथरनेट सिंपल सा जाता है, उसको कोई इंटरफेरेंस नहीं मिलता है, वायर उसका कोटेड होता है और एक साथ में सिग्नल रिसीव भी कर सकता है और सेंड भी कर सकता है। जबकि वाईफाई ऑन द अदर हैंड वो जो है सो एक बार में एक ही काम करता है, या तो रिसीव करता है या तो सेंड करता है। और जो है और क्या था, और जब भी कोई नेटवर्क कोई भी वाईफाई सिग्नल है अगर एयर में, तो एक नहीं होगा, बहुत सारा सिग्नल्स होगा बहुत सारे वाईफाई हॉटस्पॉट से। तो बेसिकली एक सिग्नल दूसरे सिग्नल में इंटरफेरेंस के वजह से जो है सो सिग्नल डिग्रेड होता है, और यही डिग्रेड होने की वजह से जो है सो स्पीड स्लो होता है। दूसरा दीवार आता है, तो दीवार को क्रॉस करने की वजह से जो है सिग्नल डिग्रेड होता है। उसके बाद अगर आपका माइक्रोवेव है, तो माइक्रोवेव के जो सिग्नल है उसके इंटरफेरेंस से जो है सो इसका सिग्नल डिग्रेड, बेसिकली कहें तो इसका जो सिग्नल डिग्रेड होता है ना किसी भी इंटरफेरेंस की वजह से, जिस वजह से इस यही वजह है कि जिसके वजह से आपका वाईफाई स्लो हो जाता है ईथरनेट के मुकाबले, ठीक है। और दूसरा एक और बात था कि तो अभी फ़िलहाल अभी एक ड्यूअल बैंड, मतलब कि एक साथ डाटा रिसीव और सेंड करने का जो तरीका है, अगर वाईफाई में इम्प्लीमेंट जो अगर किया जाए, जो कि अभी एक्सपेरिमेंटल है, जो कि हो सकता है ठीक से काम भी ना करे, तो वो अभी फ़िलहाल एक्सपेरिमेंटल लगाने का मतलब अभी यूज़ में नहीं आया अभी तक। मैं फ्यूचर में आ जाएगा तो जो है सो उससे वाईफाई का स्पीड डबल हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी आपका वाईफाई का स्पीड हमेशा ईथरनेट से स्लो ही होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आ गया होगा, छोटा वीडियो है। और अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस।